दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे सबसे पहले मिले। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, आपका स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट टुडे पे। दोस्तों जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है उनको टाइम टू टाइम ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिसमें उनके वारे हो जाते हैं, बहुत सारा पैसा बन जाता है और ऐसे स्टॉक्स पकड़ में आ जाते हैं तो शायद ही किसी को पकड़ में आते हो। ना कोई एनालिस्ट उसके बारे में कुछ बोल रहा होता है, ना कोई टीवी पैनलिस्ट उसके बारे में बोल रहा होता है, बट हम ऐसे स्टॉक्स फाइंड आउट कर लेते हैं जिसपे आपको रिटर्न्स बहुत ही शानदार मिलने की कोशिश हम कर पाते हैं। दोस्तों आपके सामने चार्ट है GEPIL का, जनरल इलेक्ट्रिकल्स का, पावर का स्टॉक है, ये पावर सेक्टर का स्टॉक है। इसके ऊपर मैंने कल ही वीडियो आपको पोस्ट की थी और इस वीडियो का टाइटल मैंने आपको दिया था कि ये स्टॉक कभी भी फट सकता है। ये कल की क्लोजिंग जो थी इस शेयर की थी 292.35 रुपये। मुझे लग रहा था ये शेयर बहुत ज़बरदस्त ब्रेकआउट देने वाला है और मैंने कल आपको एक हिंट दे दी थी, जो हिंट ले गए थे वो समझ गए थे। और आज वो जब बाज़ार खुला तो खुला 295 के आसपास में और उसका लो भी 294.50 रहा और उसकी कल की क्लोजिंग, उसकी उस 15 मिनट की क्लोजिंग रही 296 के आसपास की। उसके बाद वो धीरे धीरे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुई और वो स्टॉक 10:35 पे आपके सामने 294 और 293 के आसपास ट्रेड कर रहा था। गाइस मैंने आपको कहा था इस स्टॉक को आप देख सकते हैं, अपनी एनालिसिस में रख सकते हैं क्योंकि दिस स्टॉक इज रेडी टू एक्सप्लोड। ये देखिए, आपकी किस्मत अच्छी होती तो ये स्टॉक आज ही फट गया। मैंने कल कहा था ये रेडी टू एक्सप्लोड और एक ही दिन में 293 से लेके 316 तक 8-9% ये स्टॉक एक ही दिन में चला गया। गाइस ये स्टॉक ढूंढना एक आर्ट है, मेहनत का काम है। मैं इतने सालों से बाजार में हूं, मैंने भी बहुत फ्यूचर ऑप्शंस किया गाइस, मैंने भी फ्यूचर ऑप्शंस से बहुत पैसा खराब किया जैसा आप कर रहे हैं आज तक और करते रहेंगे। जब तक आप फ्यूचर ऑप्शंस को ट्रेड करना बंद नहीं करेंगे तब तक आप लॉन्ग टर्म में इस मार्केट में करियर नहीं बना सकते, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। कोई भी ऐसा धुरंधर नहीं है जो पिछले 20-30 साल से लगातार स्टॉक मार्केट में फ्यूचर ऑप्शन से पैसा बना रहा हो। अगर ऐसे लोग हैं भी तो बड़े चुनिंदा है, 2-4% लोग होंगे जो इतना शिद्दत से काम करते हैं, जिनके पास मनी पावर बहुत ज़्यादा है, जो बड़े से बड़ा लॉस लेने को तैयार रहते हैं। उनको मालूम है कि जब बाजार उनके अगेंस्ट जाता है तो फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में उनके बिल्कुल ज़बरदस्त नुकसान हो जाते हैं, बहुत मोटा पैसा चला जाता है, बट वो अपनी हिम्मत नहीं हारते, फिर से पैसा पंपअप करते हैं बाजार के अंदर में, फिर से पैसा डालते हैं, फिर रिटर्न्स निकाल लेते हैं। बट ऐसे लोग हमेशा ट्रेडिंग में लगे रहते हैं, उनको बहुत पैसा चाहिए, ऑप्शंस के लिए मनी मैनेजमेंट चाहिए, राइट एंट्री चाहिए, करेक्ट एंट्री एग्जिट चाहिए। बट मुझे एक बात बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट में जुआ करने के लिए आए थे या पहले दिन से फ्यूचर ऑप्शंस करने के लिए आए थे, या आप ये सोच के आए थे कि फ्यूचर ऑप्शंस की बजाय आपको स्टॉक मार्केट से कुछ पैसा बनाना है, आप स्टॉक मार्केट को एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम समझ के आए थे? प्लीज मुझे इस चीज का जवाब अभी कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए कि कितने लोग आप में से ये सोच के आए थे स्टॉक मार्केट में कि मुझे कुछ पैसा बनाना है, शायद मेरी सैलरी निकल जाए या मेरे बाइक की EMI निकल जाए या मेरे घर की EMI निकल जाए या मेरी कार की EMI निकल जाए या मेरे बच्चों की फीस निकल जाए। कुछ ऐसे ही है आपके ये सपने रहे होंगे, आपको लगा होगा कि एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बन जाए। ये भी कुछ लोगों के सपने हो सकते हैं, मेरे भी थे, आपके भी होंगे। अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे लोगों के कहने पे इस मार्केट में आते हैं जिनको खुद मार्केट की नॉलेज नहीं होती, जिनको मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं होता, मार्केट से उन्होंने कुछ सीखा नहीं होता या किसी और से कुछ नहीं सीखा होता। देखिए बाजार में वही लोग सक्सेसफुल है जो सीख के काम करेंगे, मैं हमेशा से कहता हूँ। अब सीखने के दो तरीके हैं, या तो अपने आप सीखिए, हिट एंड ट्रायल कीजिए, बैक टेस्टिंग कीजिए, किसी से सीखिए या फिर किसी से सीखिए, किसी को अपने ट्यूटर बनाइए। अब इस मार्केट में अगर मान लीजिए कोई ट्यूटर बन के आता है या कोई ट्रेनर बन के आता है हमारे आपकी तरह से, तो सबसे पहले लोग उसको क्रिटिसाइज करने लगते हैं, यार पढ़ा क्यों रहा भाई, पढ़ाने से पैसे बना रहा है यार। पहली बात तो आप सीख के नहीं आए हो, दूसरा सीखने वालों का दिमाग खराब करके आप उनको सीखने देना नहीं चाहते हो, तो अनफॉर्चुनेटली चीज़ें सही नहीं होती हैं यार। मुझे मतलब अफसोस है कि पहली बात तो कोई ट्रेनर ट्यूटर होता नहीं था इस मार्केट में, अब हो गए हैं तो लोग उन पर विश्वास नहीं करते हैं। चलो कोई बात नहीं, आपके पास इतना पैसा है, इतना टाइम है तो खुद सीखो, करो। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, इसका जवाब मैं भी दे रहा हूँ पर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना अगर मैं गलत हूँ तो। मेरे हिसाब से इस बाज़ार में पैसा बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, पैसा नहीं है, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक सही स्टॉक का सिलेक्शन। जी हाँ, नंबर वन प्रायोरिटी फॉर मी वुड बी स्टॉक सिलेक्शन इन दी स्टॉक मार्केट। अगर आपको इस स्टॉक मार्केट का नाम है स्टॉक मार्केट, स्टॉक्स की मार्केट जहाँ पे शेयर्स लिस्टेड है, स्टॉक्स लिस्टेड है, अगर आपको यही नहीं पता 5-8 हज़ार कंपनीज लिस्टेड हैं NSE BSE में ला के,
जिनमें से कुछ 150 के आसपास फ्यूचर्स और ऑप्शंस में लिस्टेड है। कौन सा शेयर कब चलेगा, क्यों चलेगा, उसके पीछे क्या तथ्य हैं, व्हाट आर द फंडामेंटल्स बिहाइंड द स्टॉक, व्हाट आर द टेक्निकल्स बिहाइंड द स्टॉक, आप कैसे काम करोगे यार किसी के कह देने से कि आज बैंक निफ्टी के ऑप्शंस परचेज कर लो, 2 का 4 हो जाएगा, 2 का 20 हो जाएगा, ठीक है आपकी किस्मत अच्छी होगी, हो भी जाएगा, बट नेक्स्ट टाइम जब किस्मत खराब होगी ना तो सारा पैसा लेके डूबेगा वो बैंक निफ्टी का ऑप्शन या निफ्टी का ऑप्शन या कोई भी ऑप्शन आपको ले डूबेगी। जितने भी लोग इस बाजार को गाली देते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं या बुरा भला कहते हैं या जुआ कहते हैं, ये सब वो लोग हैं जो बिना किसी से सीखे या बिना खुद के सीखे, मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ बिना खुद के सीखे, गाइस मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मैं खुद से सीखा हूँ। मैं इस बाजार को बहुत मोटी फीस दे चुका हूँ, मैं हमेशा से बता चुका हूँ, मैं पिछले 20 साल से स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ, पहले स्टॉक मार्केट में मैंने जॉब की है, उसके बाद मैंने जॉब अपना इसमें ट्रेडिंग की है, ट्रेडिंग के और ट्रेनिंग का मेरा जो रोल रहा है, बहुत टाइम हो गया मुझे बाजार को देखते हुए, इफ एंड बट्स बहुत किए मैंने भी। आज एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में मैं एक स्ट्रैटेजी पर काम करता हूँ, मैं अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करता हूँ, अपनी थ्योरीज को चेंज नहीं करता हूँ, बार बार मैं नया इंडिकेटर फाइंड आउट नहीं करता हूँ। मुझे एक चीज़ समझ में आ चुकी है कि स्टॉक मार्केट का मतलब है पैसे का भंडार। जब तक आपके हाथ में सही स्टॉक नहीं आएगा गाइस आप पैसा नहीं बना सकते। मुझे मालूम है कुछ लोग बोर हो गए होंगे अभी तक, आप इस चैनल को छोड़ के जा सकते हैं, इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, बट अगर आप उन लोगों में से हैं जो सुन रहे हैं इस वीडियो को, चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में कुछ पैसा बन जाए, सही तरीके से बन जाए, और लॉन्ग टर्म तक आप इस बाजार से जुड़े रहें, कभी गाली ना दें, और इस बाजार में खुद तो हैं ही और अपने अपने आने वाली जनरेशंस को भी स्टॉक मार्केट में ला सकें। गाइस मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में अभी टिके हुए हैं, लॉस लेने के बाद भी अगर आप ये समझ रहे हैं कि हाँ यहाँ कुछ चांस है, कुछ मौका है, पैसा बन सकता है, तो स्वागत है। ये वीडियो पूरा आप ही के लिए बना हुआ है, इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक सुनिएगा। बुरा लगे तो कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में तारीफ कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि आप जैसे हमारे जैसे लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन हिट रखिए, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मेरी आपको मिल सकें। आने वाले टाइम में बहुत जल्दी मैं लाइव सेशंस भी स्टार्ट करने वाला हूँ। सुबह मैंने टेलीग्राम चैनल पर मैसेज डाला और मैंने लिखा गब्बर इज बैक, क्योंकि मैं पिछले 1.5 महीने से बाजार में नहीं था, हेल्थ रीजंस की वजह से नहीं था, कुछ फैमिली रीजंस की वजह से नहीं था, धीरे धीरे बाजार में वापस आ रहा हूँ, फिर से वीडियोस बनाने स्टार्ट किए, 2 वीडियोस बनाए, जिसमें स्टार्टिंग मैंने पावर सेक्टर से की थी और पावर सेक्टर के ही एक शेयर को चूज करके मैंने कल वीडियो बनाई थी। कई सिर्फ आप ये मत समझिए कि ये वीडियोज आपको डेली मिलने वाली हैं या आपको हफ्ते में 4 वीडियोज जैसे मिल जाएंगी जिसमें मैं कोई स्टॉक सिलेक्शन आपको करके देने वाला हूँ। ये एक मेरी प्रीमियम सर्विस है और ये प्रीमियम सर्विस मैं मेरे उन पेड क्लाइंट्स को मैं मेरी बेस्ट स्टॉक डिलीवरी सर्विस के अंदर में मैं महीने में कम से कम 3 स्टॉक्स निकाल के देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जितना भी टाइम है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप वो सर्विस जाके लें, आपको लेना लीजिए, नहीं लेना मत दीजिए, मेरा प्रोडक्ट है, मैं बेचना चाहता हूँ, मैं बेच रहा हूँ, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने का अधिकार सबको है, मैं भी कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हर कोई इस बाजार में, इस दुनिया में कुछ ना कुछ बेच ही रहा है। अब समझने वाली ये बात है कि अगर आपको स्टॉक्स का चयन करना आता है कि किस स्टॉक में मुझे कल काम करना है, किस स्टॉक में मुझे पोजिशंस बनानी है, वेल एंड गुड, आप आधे से ज़्यादा जंग जीत चुके हैं, यू हैव वॉन हाफ ऑफ द बैटल। बट अगर आपको यही नहीं मालूम कि किस स्टॉक में काम करने वाला हूँ, क्यों करने वाला हूँ, क्या स्टडी है उसके पीछे, टाइम दिया है उस स्टॉक को, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दिस स्टॉक मार्केट, दिस मार्केट इज़ वेरी ब्रूटल। अगर आपके हाथ में गलत शेयर पकड़ में आ गया तो आप सोच भी नहीं सकते आपकी कैपिटल का क्या हो सकता है। शर्त ये नहीं है कि सही स्टॉक पकड़ना है, दूसरी शर्त ये भी है कि उसको किस समय पकड़ना है। जैसे हम लोगों ने GEPIL को कल पकड़ा और आज के आज वो 10% की रिटर्न देके चला गया। 10% किसी बैंक की फिक्स डिपॉजिट का रेट भी नहीं है आज पूरे साल का। सिर्फ स्टॉक मार्केट है जो आपको चौंका सकती है, स्टॉक मार्केट है जो आपको अमीर बना सकती है, स्टॉक मार्केट है जो आपको करोड़ोंपति बना सकती है। करोड़ोंपति की बात नहीं कर, करोड़ोंपति मेरी आज जितनी भी मेरी वेल्थ है, जितने मेरे एसेट्स हैं, सब स्टॉक मार्केट की वजह से हैं। मैं प्राउडली इस मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ। गाइस एक बात बताओ यार, अगर आप अपनी फैमिली में बात करोगे ना कि स्टॉक मार्केट करनी है, तो आधे से ज्यादा लोगों के तो माँ बाप मना कर देंगे, आधे से ज्यादा लोगों की बीवियाँ मना कर देंगे, आधे से ज्यादा लोगों के पति मना कर देंगे। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो बैंकर फैमिली है, जिन्होंने मुझे स्टॉक मार्केट में आने से कभी रोका नहीं। मेरी वाइफ ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, उनका मुझ पर भरोसा था, मैंने उस भरोसे को तोड़ा नहीं। ऐसे पैचेस भी थे जहां बाजार में मुझे बहुत लॉसेस हुए, जब मुझे फ्यूचर ऑप्शंस के पीछे पड़ा हुआ था, बिना सीखे समझे कर रहा था, लॉसेस भी हुए। बट जिस समय ये सिर्फ एक छोटी सी बात जिस दिन दिमाग में बैठ गई ना, मुझे मेरे ही एक क्लाइंट हुआ करते थे मेरे, उन्होंने मुझे समझाया कि विपुल एक बात बताओ यार, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने आए हो क्या, फ्यूचर एंड ऑप्शन से पैसा बनाने आए हो क्या, सट्टा करके वो पैसा बनाने आया। मैंने कहा नहीं अंकल, बहुत बुजुर्ग थे, बड़े थे, मैंने कहा नहीं, मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए आया हूँ, और कैसे भी बने मुझे बनाना है, तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, ऑप्शंस में पैसा कम लगता है, खाली प्रीमियम देना पड़ता है, मैं ले लेता हूँ, ठीक है। राइटिंग करने के लिए थोड़ा मार्जिन ज़्यादा चाहिए, राइटिंग नहीं कर पाता हूँ, पैसा नहीं है उतना,
वो दिन उन्होंने मुझे बोला कि बेटा अगर लंबा जाना है ना, लंबा जाना है तो आपको स्टॉक मार्केट को समझना होगा, स्टॉक्स को समझना होगा, स्टॉक्स के बिहेवियर को समझना होगा, उनके पैटर्न्स को समझना होगा। चार्ट पैटर्न्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उस स्टॉक को समझना होगा, स्टॉक क्यों चलता है, कब चलता है, कैसे कैसे चलता है। एक अच्छे स्टॉक को चूज कर लो, एक स्टॉक पे बैठ जाओ, पूरी जिंदगी एक ही स्टॉक बहुत पैसे बना के दे देगा। ये बात मुझे उनकी कुछ क्लिक कर गई, मुझे लगा यार बात में दम है। मैंने फिर स्टॉक्स को स्टडी किया, बहुत बैक टेस्टिंग की, अब फ्यूचर ऑप्शंस के डेटा को स्टडी करने के लिए ऑप्शन चेन को भी स्टडी किया। जो लोग ट्रेडिंग करना सीखना चाहते हैं उनको ऑप्शन चेन की भी मैं नॉलेज देता हूँ। जो लोग वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं उनको मैं कहता हूँ यार स्टे अवे फ्रॉम फ्यूचर ऑप्शंस, स्टे अवे, सिंपल स्टे अवे। इफ यू रियली वांट टू क्रिएट अ वेल्थ यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मार्केट, यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द स्टॉक्स, स्टॉक्स का पार्ट बनना है आपको, आपको सीखना है स्टॉक्स का चयन करना। गाइस मैं आपकी एक हेल्प कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे टाइम टू टाइम मैं वीडियोस बनाता रहूंगा, टाइम टू टाइम, मेरा कोई प्रॉमिस नहीं है कि मैं आपको हर हफ्ते एक वीडियो ऐसा बना के दूंगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। बट हाँ महीने में किसी दिन एक ऐसा विस्फोटक शेयर आपके सामने जरूर लेके आ जाऊंगा, ठीक है। बट हाँ अगर आपको रेगुलरली 3 से 4 स्टॉक्स चाहिए तो उसका एक शॉर्टकट आपको दे रहा हूँ, आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर जाना है। इस वेबसाइट का नाम है stockspathshala.com, स्पेलिंग नोट कर लीजिए, stockspathshala.com, stockspathshala.com। आपको यहाँ पे साइन अप पे जाना है, ध्यान से समझ लीजिए, साइन अप पे जाना है, अपनी डिटेल्स आपको भरनी है, ठीक है। डिटेल्स भरने के बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर, अपना यूजर आईडी, पासवर्ड इसमें डालना है और साइन अप पे दबाना है। साइन अप पे करने के बाद में उसके बाद उसको आप लॉगिन करने जाएंगे, लॉगिन करने जाएंगे तो आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड इसमें डालना है और आप इसमें एंटर कर जाएंगे। बस सिंपल इतना सा ही काम करना है। यहाँ पे आप सर्विसेज सेक्शन में जा सकते हैं, सर्विसेज सेक्शन में बेस्ट स्टॉक डिलीवरी ये फर्स्ट सेक्शन है, आप इसको क्लिक कीजिए। जब आप इसको क्लिक करने के लिए आते हैं तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे पूरी स्टॉक लिस्ट के बारे में डिस्कशन आपको देता हूँ कि मैंने कौन सा शेयर कब लिया, क्यों लेना चाह रहा हूँ, क्या रिकमेंडेशंस दे रहा हूँ, ठीक है। और चलिए ये वीडियो में मैं आपको पूरा रिवील कर रहा हूँ कि मैंने इस हफ्ते के स्टॉक्स क्या दिए, इस महीने के लिए स्टॉक्स आपको क्या दिए। मैंने सन फार्मा दिया हुआ है, मैंने भारतीय एयरटेल दिया है, एसबीआई लाइफ मैंने दिया, 3 से 1 स्टॉक्स मैंने अभी दिए। इससे पहले मैंने स्टॉक दिए थे 25 अप्रैल को, आईसीसी प्रू दिया था 512 के आसपास में और 484 के आसपास में और क्वांटिटी ऐड करने के लिए कहा था और हमारा टारगेट था 600 रुपये का, वो 600 रुपये से ऊपर अभी चल रहा है। लुपिन मैंने कहा था 1000 रुपये के आसपास बाय करने के लिए, लुपिन का आप रेट देख लीजिए 1190, तो मैंने प्रॉफिट बुक करने के अलग के लिए कहा था। और लुपिन को अगर देखना चाहें आज के डेट में भी तो लुपिन का जो प्राइस चल रहा है 1250 के आसपास का प्राइस चल रहा है, ठीक है। और उससे पहले कैडिला की बात की, हमने कैडिला का 650 का टारगेट दिया था और कैडिला भी यहाँ पे, कैडिला हेल्थ केयर को अगर देखा जाए तो 636 चल रहा है और 630 ये यहाँ पे 644 के आसपास का हाई बना के वो नीचे आया है, राइट। उससे पहले हम लोगों ने बात की जीडीएल को हमने कहा था 177 पे बाय करने के लिए, टारगेट था हमारा 256 का। और जीडीएल हम देखना चाहें तो जीडीएल का चल रहा है, देखिए आज की डेट में जीडीएल का प्राइस है गाइस 300 रुपये, आप हैरान हो जाएंगे। 225-256 का हमने टारगेट दिया था, कौन सी डेट पे, 31 मार्च को। अब मई में 31 मार्च अप्रैल मई, 2 महीने के अंदर में अगर 170 की चीज़ 300 रुपये हो सकती है, गाइस रिटर्न सोच सकते हैं आप। मतलब मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, लिख के गारंटी है मेरी इस चीज़ को लेके। गेल देखिए, गेल के टारगेट थे 144, 156, 169 तक के, गेल अभी चल ही रहा है, ठीक है। गेल में कहाँ तक आ चुका है, गेल 161 चल रहा है गाइस, हाई देखिए, हाई 164 का हाई लगाया, मतलब इसने हमारा थर्ड टारगेट ऑलमोस्ट अचीव किया 135 के आसपास, 130 से 160, 30 रुपीज़ का प्रॉफिट 130 रुपीज़ के शेयर के ऊपर में। कैन यू जस्ट इमेजिन कि कितना रिटर्न है गाइस। अगर आप 3 महीने में भी, अगर आप हर 3 महीने में ये अगर आप पोजिशंस बना के पैसा बना सकते हैं तो हर 3 महीने में 10 से 15% तो कहीं नहीं गया। साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 15 × 4 60% पैसा जिस दिन आप इस बाजार से निकालने लग गए, 50% लॉस को डिस्काउंट कर दीजिए, अगर आपने 30% का CAGR भी अगर हर साल निकाल लिया, आप सोच सकते हैं, आपको अंदाजा भी नहीं है। गाइस प्लीज कहीं जाएगा मत, आपको मैं एक और चीज दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपके लिए छोटी सी कैलकुलेशन करता हूँ, जिन लोगों को नहीं मालूम कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग में क्या है, कितनी बड़ी ताकत है, आपको मैं एक बार पावर ऑफ कंपाउंडिंग शो कर देता हूँ। प्लीज बने रहिए इस वीडियो में क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप छोटे से आप इन्वेस्टर हैं जिसने आपने कहा सर मेरे पास तो लाख रुपए में कहीं से इकट्ठे कर लूँ, अच्छा 10-20 हज़ार से कुछ नहीं होने वाला इस बाजार में, आपको बहुत लंबा जाना पड़ेगा, हो उससे भी सकता है, बट अच्छी कैपिटल हो तो अच्छा स्टार्ट मिलता है, अच्छे रिटर्न मिलते हैं। लाख रुपये की अगर आपने रिटर्न निकाला और आपने साल में 130% का अगर आपने रिटर्न निकाला, खाली 130% का, तो सोच के देखिए आप कितने रिटर्न निकालते हैं। आपका पैसा 130, 130,000 हो जाएगा और उसके बाद में अगले साल आपका पैसा 130,000 होगा, दोबारा से 130,000 का आप अगले अगले साल निवेश करने वाले हैं, ठीक है, और आपका पैसा कितना हो जाएगा सोच के देखिए,
यहाँ से अगर मैं, अगर आपकी उम्र 30 साल है, सपोज कीजिए, सॉरी थोड़ा सा पेशेंस गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपकी उम्र 40 साल है, 20 साल के बाद रिटायर होंगे आप, तो मान लीजिए ये 20 साल तक आपने काम किया, ये 20 साल तक आपने काम किया, और आपके 1 लाख रुपए जिंदगी भर नौकरी करके जो आप पैसा नहीं जोड़ सकते, यहाँ पे कितना है, 1, 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 1 करोड़ 90 लाख रुपीज आपके पास। आपको अपने 1 लाख रुपए को 1 करोड़ बना लेंगे, 100 गुना कर लेंगे 1 लाख रुपए को 20 साल के अंदर में। मुझे गारंटी दीजिए, लिख के दीजिए, कौन सी मार्केट है पैसा बना के दे सकते हैं। ये आपने बहुत ही कंजर्वेटिव बता रहा हूँ मैं। अच्छा स्टॉक सिलेक्शन करेंगे ना, हम ऐसे स्टॉक सिलेक्शन करते हैं इस बेस्ट स्टॉक डिलीवरी सर्विस के अंदर में, जो हर 3 से 4 महीने में 15 से 20% रिटर्न दे देता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं साल के 160% की, 140% के आसपास की। और थोड़ा थोड़ा कंजर्वेटिव भी अगर आप हो जाओगे ना, मान लो एक आपने सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया, आपने 140% की रिटर्न अगर आपने निकाल ली, तो 8 करोड़ 36 लाख, 1 लाख रुपए 8 करोड़ बन सकते हैं 20 साल के अंदर अंदर में। आप बनाना चाहते हो, स्टॉक सिलेक्शन करना होगा, स्टॉक सिलेक्शन सीखना होगा, उस पर दिमाग लगाना होगा। अगर आपके पास उतना टाइम है, उतना दिमाग है, लगाइए, मोस्ट वेलकम, आप कर सकते हैं। यू कैन डू इट, एवरीबडी कैन डू इट, व्हेन आई कैन डू इट यू ऑल्सो कैन डू इट। नहीं कर सकते, शॉर्टकट चाहिए। दो ही लोग, दो ही तरह के लोग होते हैं, एक हार्ड वर्कर, एक स्मार्ट वर्कर। आप हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्कर हो, गो टू दी वेबसाइट। अगर आप अब आपके इसमें कहेंगे कि सर इसकी फीस क्या है, फीस बहुत ही छोटी सी गाइस, बहुत ही छोटी सी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी फीस बहुत ही सिंपल है। अगर आप पे नाउ पे जाते हैं, अपने उससे लॉगिन करना होगा आपको, पे नाउ पे जाइए, आपको दिख जाएगा। अगर आपको ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर, जो बहुत ही फेमस कैलकुलेटर है मेरा, उसकी 1 मंथ का ट्रायल है 3,540 रुपीज का, 3,000 प्लस टैक्स, खाली 3,000 रुपये। और स्टॉक डिलीवरी सर्विस और स्टॉक ऑब्जर्वेशन सर्विस, ये डिलीवरी सर्विस है, आपको इसको चूज करना होगा। 1 महीने का फीस सिर्फ 3,540, और साल का जो पैकेज है वो 11,800 रुपये, मतलब 10,000 प्लस GST, बहुत ही कम फीस है, मतलब 900 रुपये के आसपास महीने की कॉस्ट। अगर आप ये भी अफोर्ड कर सकते हैं तो कीजिए यार, इसमें क्या टेंशन नहीं है। तो 1 महीने का ट्रायल लेके देखिए, आपको पसंद में आ जाएगा। मतलब ये ऐसा नहीं है कि फ्यूचर ऑप्शन के शेयर फ्यूचर ऑप्शन में काम करना, नहीं, ये प्योर डिलीवरी बेस्ड स्टॉक्स हैं, पोजिशनल कॉल है। ये 2 से 3 महीने की कॉल हम लेके चलते हैं, 2 से 3 महीने की ऑब्जर्वेशन है हमारी, यहाँ पे रिटर्न्स निकल के आने चाहिए। गाइस इन द इन एट द एंड आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, तो अगर आपको पसंद आता है मेरा ऑब्जर्वेशन लेना है, तो मेरी ऑब्जर्वेशन लेने की फीस है। ऐसा कुछ नहीं मैं कॉल से टिप्स देने वाला हूँ, दिस इज नॉट कॉल एंड टिप्स, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करूँगा, मेरी ऑब्जर्वेशन शेयर करने की मेरी फीस है। आपको लगता है अच्छा लीजिए, नहीं लगता है तो गो एंड स्पेंड योर टाइम इन स्टॉक सिलेक्शन, स्टॉक सिलेक्शन कीजिए। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने का असली रीजन, असली खजाना, असली वजह इस बाजार में रहने की सिर्फ तभी आ सकती है जब आपको अच्छा स्टॉक चूज करना आ जाए। गाइस आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, खराब लगा हो तब भी कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा हो तब भी कमेंट कीजिएगा, और पसंद आए तो दोस्तों को शेयर करना जरूर मत भूलेगा। और प्लीज हिट द बेल नोटिफिकेशन अगर आपने अभी तक उसको हिट नहीं किया। तो थैंक यू सो मच, और बहुत जल्दी लाइव सेशन स्टार्ट होने वाले, तो जल्दी मिलेंगे, आपके रूबरू होंगे आपके सवालों के साथ में, रोज रात को 9:06 पे। शेड्यूल बहुत जल्दी बनने वाला है, आपको कभी भी सरप्राइज कर सकता हूँ। यस गबर इज बैक, थैंक यू, बाय बाय।